Very good morning, students. Myself Kurleen. Today we do English second topic sleeping line. आज हम English का second topic करेंगे sleeping line. पहले हमने first topic किया था standing line. आज हम करेंगे sleeping line. Parents आप ध्यान से देखिए sleeping line आपने बच्चों को कैसे draw करके देनी है और कैसे dots लगानी है. स्लीपिंग लाइन हम सबसे पहले ऐसे लगाएंगे सेकंड लाइन में. हमारी नोटबुक्स ऐसे फोर पार्ट्स में डिवाइड होती है. ये फोर लाइंस के बीच में सेकंड लाइन में हम स्लीपिंग लाइन बनाते हैं. और आप पेरेंट्स बच्चों को ऐसे बिल्कुल इस तरह से डॉट्स लगा के देंगे. बिल्कुल इस तरह से आप ऊपर हेडिंग डालेंगे स्लीपिंग लाइन. स्लीपिंग लाइन बना के बच्चों को ऐसे डॉट्स लगा के देंगे. फिर उसके बाद हमने बच्चों को सिखाना है कि राइट से लेके लेफ्ट तक आपने ऐसे बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन लगानी है स्लीपिंग लाइन के लिए. बच्चों को अच्छे से पहले पेंसिल होल्ड करना बता के उसके बाद अच्छे से स्लीपिंग लाइन बनाना बच्चों को सिखाएंगे. बिल्कुल इस तरह से सबसे पहले आप बच्चों को एक रफ पेज दे के कोई पेंसिल वगैरह दे सकते हैं ताकि उनको पेंसिल पकड़नी आ सके, पेंसिल को होल्ड करना आ सके और वो कुछ भी ड्रॉ कर सके, ताकि उनकी ये मोटर स्किल्स उनके हैंड में थोड़ी ताकत आए और वो पेंसिल को होल्ड कर सकें. उसके बाद उनको प्रॉपर वे से आप स्लीपिंग लाइन सबसे पहले स्टैंडिंग उसके बाद स्लीपिंग लाइन बनाना सिखाएंगे. बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल इस तरह से आप अपना फर्स्ट पेज इंग्लिश नोटबुक का स्टैंडिंग लाइन से कंप्लीट करेंगे और सेकेंड पेज आप स्लीपिंग लाइन से बनाएंगे. देखिए बिल्कुल इस तरह से आप बच्चों को स्लीपिंग लाइन सिखाएंगे. स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन ये दोनों आपकी कंप्लीट होनी चाहिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.